अगर कोई एमएलए बनता है किसी पार्टी का तो आवाम को क्या फायदा मिलता है। मैं आज गुजरात में पिछले कई हफ्ते से यहां बैठकर मेरी पार्टी के जिम्मेदारों के साथ इंतखाबी मुहिम को चला रहा हूं और कल हैदराबाद से मुझे बताया गया कि हमारे बहादुरपुरा के एमएलए ने बल्दिया के हैदराबाद के कमिश्नर के पास 15 मिनट की मीटिंग में बैठकर उनकी विधानसभा के लिए 20 करोड़ के डेवलपमेंट के काम मंजूर करवाए। मैं नहीं हूं हैदराबाद में, मगर मेरा एमएलए वहां के हैदराबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात करके 20 करोड़ के डेवलपमेंट के काम 15-20 मिनट की मीटिंग में मंजूर करवा कर चला जाता है। बताओ क्या ये वेजलपुर में नहीं किया जा सकता? तो कांग्रेस कहेगी कि भाजपा की सरकार है। ये छोटा रिचार्ज कहेगा कि गारंटी कार्ड लेके तुम रात में सो जाओ और सुबह में उठो तो हथेली में जन्नत भी नहीं दिखाई देगी। मैं आपसे बता रहा हूं, सरकार किसी की भी हो, काम करने का तरीका आना चाहिए, बोलने का जज्बा रहना चाहिए, मरने और मिटने का जज्बा होना चाहिए। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि चाहे जुबैर हो या फिर हमारी बहन जैनब शेख हो, ये पूरे उस पैमाने पर उतरते हैं। 1.5-2 साल का इनको वक्फा मिला, इन्होंने अपने फंड से तरक्याती काम करवाए। तो मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि आपके एमएलए होगा तो वो आपकी आवाज को, आपकी तकलीफ को बेहतर तरीके से समझेगा।